नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे कंस्ट्रक्टर्स काम करते हैं डेरिवेटिव क्लास में, राइट। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो उस वीडियो में हमने क्या किया था कि थ्योरी देखी थी कि कैसे कंस्ट्रक्टर्स काम करते हैं डेरिवेटिव क्लास में, बट आज के वीडियो में हम कोड देखने वाले। तो हम क्या करेंगे, हर एक केस को लेकर चल रहे होंगे और उसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे, राइट। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। तो पिछले वीडियो में हमने काफी थ्योरी देख रखी है कि कैसे कंस्ट्रक्टर काम करते हैं डेरिवेटिव क्लास में। तो आज मैंने क्या किया कि उसी थ्योरी को कुछ केसेस में कन्वर्ट कर दिया, राइट। जैसे कि बेस क्लास एंड डेरिवेटिव क्लास दोनों के पास अगर अपना अपना कंस्ट्रक्टर है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन से क्लास का पहले एग्जीक्यूट होगा, वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ मैंने केसेस बना के रखे, उनको हम प्रैक्टिकली देखने वाले, ठीक है। तो पहला केस हमारे पास है वो है अगर एक बेस क्लास है, सपोज कि ए, ठीक है, उसको इनहेरिट करके मैंने बना दी क्लास बी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर दोनों के पास कंस्ट्रक्टर्स है, ए के पास भी अपना कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और बी के पास भी अपना कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, बी डिराइव क्लास है और ए बेस क्लास है, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। तो देखो, अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या होगा, पहले तो ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो पहले ए क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जाके जो डिराइव क्लास है यानी कि बी क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, राइट। ये होगा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ केस फर्स्ट। अब इसका प्रैक्टिकल करके भी देख लेते, ठीक है। अब चलते हैं वीएस कोड में। तो हमारे पास केस फर्स्ट क्या है कि अगर ए और बी दोनों के पास अगर कंस्ट्रक्टर है तो हम कैसे कर सकते, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, ए और बी दो क्लासेस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, क्लास ए, ठीक है। अब आते हैं नीचे और मैं इसके अंदर पब्लिक में सिंपली एक कंस्ट्रक्टर बना दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक बना देता हूँ जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इसका कोड लिखते हैं। इसके अंदर क्या होगा, सिंपली एक मैसेज प्रिंट होगा कि कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास ए कॉल्ड, ओके। मतलब कि मुझे पता चलता रहेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं लगा देता हूँ एंड एल, ओके। अब इस क्लास को ख़त्म कर लेते हैं। अब हमारे पास एक क्लास बी भी होगी, राइट। तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, आपको तो पता है कि मैं कितना आलसी हूँ। अब आते हैं नीचे और बी क्लास को भी तैयार कर लेते, ठीक है। तो क्लास ए नहीं, यहाँ पे क्लास बी होगा, इसको मैं डिराइव कर रहा हूँ क्लास ए की मदद से, ठीक है। तो पब्लिक, ओके, ए। तो देखो यहाँ पे मैंने सिंपली पब्लिक का यूज़ करा है, क्यों, क्योंकि अगर मैं प्राइवेट करूँगा तो भाई थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, राइट। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर्स कैसे काम करते हैं ये देख रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली पब्लिक ही रहने देता हूँ। तो मैं ये करता हूँ, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं बी करता हूँ और बताए नीचे, और यहाँ पे मैं करता हूँ कंस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव्ड क्लास बी कॉल्ड, ठीक है। आप क्या करते हैं कि बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लेते, ठीक है। अब आते हैं इंटीजर मेन के अंदर। तो देखो, बी क्लास का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट तैयार कर रहा हूँ, ओ बी जे, ओके। और जैसे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो क्या होगा, सिंपली मुझे पहले तो ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते और मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो अब देखो, जैसे ही मैंने बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो क्या हुआ, सबसे पहले जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर था ना वो एग्जीक्यूट हो गया और कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास ए कॉल्ड ये प्रिंट होके आ गया, राइट। उसके बाद जाके जो डिराइव क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, राइट। समझ में आ रहा है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ओके। मैं इस सब को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको करते तो कमेंट आउट, ओके। तो अब आते हैं नीचे, हमारे पास है केस टू। अब केस टू क्या है वो देखो, केस टू क्या है कि अगर यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ हो रहा है तो क्या होगा, मतलब कि देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास ए और बी दो बेस क्लासेस है, ठीक है, अगर हमारे पास ए और बी दो बेस क्लासेस मौजूद है और उसकी मदद से मैं सी क्लास तैयार कर रहा हूँ, और अगर मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार कर दूँ तो कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, ए का, बी का या फिर सी का, ठीक है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है पिछले वाली तो आपको पता होगा कि पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा,
उसके बाद बी का होगा, उसके बाद आखिर में जाके सी का होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी जो है वो बेस क्लासेस है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का ही पहले होगा, उसके बाद सी का होगा, राइट। बट इन दोनों में से पहला किसका होगा? यहाँ पे मैंने ए को पहले लिखा है, राइट, ए क्लास को मैंने पहले लिखा है, तो ए का कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बी का होगा, और उसके बाद आखिर में जाके डिराइव क्लास सी का होगा, राइट। इसको भी एक बार रन करके देख लेते, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार पेस्ट। ओके, क्लास ए हमारे पास है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास बी भी तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास ए इज कॉल्ड एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास बी इज कॉल्ड, यहाँ पे मुझे हटाना होगा, ठीक है। तो क्लास बी एक बन गया, क्लास ए और क्लास बी दोनों को मैंने क्रिएट कर लिया है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, क्लास सी को बना दें, ठीक है। तो क्लास सी, इसको मैं डिराइव कर रहा हूँ क्लास ए और क्लास बी की मदद से, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा पब्लिक, ओके, उसके बाद ए कॉमा, उसके बाद पब्लिक बी, ओके। मैंने ए और बी को इनिट करके क्लास सी को तैयार कर लिया है, ठीक है। अब आते नीचे, ओके, अब इस क्लास का भी कंस्ट्रक्टर तैयार कर लेते, पब्लिक में अगेन करता हूँ, ओके। तो अब आते हैं नीचे, और यहाँ पे मैं सी क्लास का कंस्ट्रक्टर तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा, ओके। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली सी आउट कर दूँगा, डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। उसके बाद मैं लगा देता हूँ एंडल, ओके। अब अगर मैं क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है, अब आते हैं नीचे, मैं यहाँ पे क्लास सी का ऑब्जेक्ट तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपली पहले तो ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्यों? क्योंकि उसको मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया है, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ऊपर आऊँ, और यहाँ पे देखो मैंने पहले ए को डिक्लेयर कर दिया है, तो पहले ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और आखिर में जाके जो डिराइव क्लास सी है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। एक बार करके देख लेते, ठीक है। और यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लास सी के बाद सेमीकोलन नहीं डाला, बहुत बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है, सेमीकोलन डालना मत भूलना, ओके। मैं भी फंस गया था, ओके। अब देखो पहले तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, राइट, उसके बाद बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया जो दूसरी बेस क्लास है, और आखिर में जाके डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मतलब कि सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बी को पहले कर देता तो बी का कंस्ट्रक्टर पहले कौन था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। इससे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। अब तीसरे केस हमारे पास क्या है वो देखो, ओके। तो देखो तीसरी केस क्या है, तीसरी केस क्या है, वो है मल्टीपाथ इनहेरिटेंस की, मतलब कि अगर एक क्लास है उसकी मदद से मैं बी क्लास को तैयार कर रहा हूँ, और बी क्लास को इनहेरिट करके मैं सी क्लास को तैयार कर रहा हूँ, और अगर मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार कर दूँ तो कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, ए का, बी का, या फिर सी का? तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार करूँगा, पहले तो ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। यहाँ पे लिखते हैं पहले ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, उसके बाद बी का कॉल होगा, ओके, उसके बाद सी का होगा, ओके। ये एग्जीक्यूशन ना इनहेरिटेंस के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेरेंट क्लास है उसका चाइल्ड बी है और बी का चाइल्ड सी है, तो ऐसे डायरेक्शन में ही एग्जीक्यूशन होगी कंस्ट्रक्टर्स की। पहले तो ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद जाके सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब इसको भी एक बार रन करके देख लेते, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले रफ कर लेता हूँ, ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास ए को बना दिया, ठीक है, जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो क्लास बी को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ क्लास ए के ऊपर से, ठीक है, पब्लिक ए, ए, ओके। अब इसका खुद का एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑफ, यहाँ पे मैं करता हूँ ओनली क्लास बी, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बेस क्लास नहीं है ना, ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी कॉल्ड। अब आते हैं नीचे, और मैं क्या करूँगा, क्लास सी को बनाऊँगा क्लास बी को इनहेरिट करके, ठीक है, क्लास सी, यहाँ पे मैं क्लास सी को बना रहा हूँ क्लास बी को इनहेरिट करके, ठीक है, पब्लिक, और यहाँ पे मैं करता हूँ बी, ओके। ये बातें नीचे, यहाँ पे करता हूँ अगेन पब्लिक, ओके। अब आते हैं नीचे, और यहाँ पे मैं इसका कंस्ट्रक्टर तैयार कर देता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सी,
ओके यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके इसके बाद मैं लगा देता हूँ एंड एल। ओके आप क्या करते हैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं राइट। अब मैं क्या करूँगा क्लास सी का ऑब्जेक्ट तैयार करूँगा। ओके तो ये यहाँ पे क्लास सी का ऑब्जेक्ट पहले से तैयार हो चुका है। अब मैं प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और एक बार रन कर लेते हैं ठीक है। तो देखो सबसे पहले ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टी पाथ इनहेरिटेंस है ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ए क्लास को इनहेरिट करके बी क्लास बना दिया और बी क्लास को इनहेरिट करके मैंने बना दिया सी क्लास। तो अगर मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा, पहले तो ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद जाके बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और आखिर में जाके सी क्लास का कंस्ट्रक्टर जो डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं चौथा केस हमारे पास क्या है। तो देखो चौथा केस हमारे पास है वो है वर्चुअल बेस क्लास का। सपोज कि यहाँ पे हमारे पास तीन क्लासेस है ए बी और सी। ओके ये तीनों मिलके एक नया क्लास को तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है क्लास डी ठीक है। बट यहाँ पे बी एंड सी जो है ये दोनों वर्चुअल क्लासेस है, वर्चुअल बेस क्लासेस है ठीक है। बी एंड सी आर वर्चुअल बेस क्लासेस ठीक है। तो अब मुझे बात बताओ अगर आपने पिछले वीडियो देख रखी है और अगर आपको समझ में आ चुकी है तो आपको पता होगा कि भाई कौन से क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, ए का बी का या फिर सी का। डी का तो होने से रहा क्योंकि वो डिराइव क्लास है ठीक है, ये तीनों बेस क्लासेस है राइट। तो इन तीनों में से कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, ऑब्वियसली बी का पहले कॉल होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक से ज़्यादा बेस क्लासेस है तो वहाँ पे सीक्वेंस लगता है राइट। तो वैसे तो ए आना चाहिए बट मैंने एक स्पेशल केस बताई थी कि अगर बेस क्लासेस में वर्चुअल बेस क्लास आ रहा है तो वो वर्चुअल बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पहले कॉल होगा। तो यहाँ पे बी का पहले कॉल होगा ओके। तो पहले सी का भी तो होना चाहिए क्योंकि वो भी तो वर्चुअल है। अब बी का क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर दो से ज़्यादा वर्चुअल बेस क्लास अवेलेबल है तो वहाँ पे भी सीक्वेंस ही लगेगा। जिस सीक्वेंस में मैंने डिक्लेयर किया है क्लासेस को उस सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूशन होगा कंस्ट्रक्टर्स का। तो यहाँ पे बी का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, उसके बाद सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद जो नॉन वर्चुअल क्लास है ए उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और आखिर में जाके जो डिराइव क्लास है डी उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा राइट। समझ में आ रहे हैं? तो आगे बढ़ते हैं और इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो अब आते हैं केस फोर में, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अगेन पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्लास ए और क्लास बी बना दिया है राइट। तो अब क्लास सी बना दें ओके। क्लास सी बहुत ही आसानी से बन जाएगा राइट। ये बन गया आपका क्लास सी। यहाँ पे मैं डिराइव क्लास की जगह वर्चुअल बेस क्लास करता हूँ ठीक है, वर्चुअल बेस क्लास ओके। मैं बी को भी वर्चुअल बेस क्लास बना देता हूँ ठीक है। कंस्ट्रक्टर ऑफ वर्चुअल बेस क्लास बी इज कॉल्ड ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ ठीक है। कंस्ट्रक्टर ऑफ वर्चुअल बेस क्लास सी इज कॉल्ड ओके। अब मैं क्या करता हूँ इन तीनों की मदद से एक डी क्लास को तैयार कर लेता हूँ ठीक है। हमारे पास ए क्लास है, बी क्लास है और सी क्लास है ठीक है, जिनमें से मैं बी और सी इन दोनों को वर्चुअल बेस क्लास बनाने वाला हूँ राइट। तो मैंने यहाँ पे वर्चुअल लिख दिया है ठीक है। तो आप क्या करते हैं डी क्लास को क्रिएट कर लेते हैं ठीक है। क्लास डी वो मैं इनिट कर रहा हूँ क्लास ए क्लास बी क्लास सी से राइट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पब्लिक ए, उसके बाद में बी और सी को वर्चुअल बेस क्लास बनाने वाला हूँ ठीक है। तो वर्चुअल ओके, उसके बाद पब्लिक बी ओके। अब आगे वर्चुअल पब्लिक और मैं करता हूँ यहाँ पे सी ठीक है। अब आते हैं नीचे और यहाँ पे डी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो तैयार कर लेते हैं ठीक है ओके। तो मैं यहाँ पे डी क्लास का कंस्ट्रक्टर तैयार कर लेता हूँ सी आउट डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ओके। इसके बाद मैं डाल देता हूँ एंड एल। तो अब यहाँ पे डी क्लास बन चुका है जिसको मैंने इनहेरिट किया है क्लास ए क्लास बी और क्लास सी की मदद से, जिनमें से क्लास बी और क्लास सी जो है वो मैंने वर्चुअल बेस क्लासेस के तौर पर इनहेरिट करे ठीक है। अब अगर मैं डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ ठीक है,
यहाँ पे डी क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार कर लेता हूँ। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है, सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो ये एरर क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस कोड को कमेंट आउट नहीं किया, तो मुझे इस कोड को कमेंट आउट करना होगा पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, अब ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक ही ए का क्लास है, एक ही बी का क्लास है, एक ही सी का क्लास है, ठीक है। तो आप प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं डी क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार कर रहा हूँ तो क्या हो चुका है, पहले तो वर्चुअल क्लास बी जो है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से जो वर्चुअल बेस क्लासेस है उनका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, पहले एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे क्या है कि एक से ज़्यादा वर्चुअल बेस क्लासेस अवेलेबल है, तो पहले जिस क्लास का डिक्लेरेशन हो चुका है उस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, राइट, एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जो दूसरा वर्चुअल बेस क्लास बचा है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और आखिर में जाके जो नॉन वर्चुअल बेस क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसके बाद डी का कंस्ट्रक्टर अगर होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो यहाँ पे पहले बी का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद सी का एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद ए का एग्जीक्यूट हो गया, और आखिर में जाकर जो डिराइव क्लास हमारे पास डी है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, राइट। तो अब समझ में आ रहा है कैसे काम करते हैं कंस्ट्रक्टर्स इन डिराइव क्लासेस, ओके ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इनको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ओके ठीक है। तो अब हमारे पास आखिरी कैसे वो क्या है वो देखो, हमारे पास आखिरी कैसे तो केस फाइव क्या है देखो, इफ द बेस क्लास ए कंस्ट्रक्टर हैज़ आर्ग्यूमेंट्स इन इट, मतलब कि अगर आपके पास ए क्लास है उसको इनिट करके मैं एक बी क्लास को तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार कर दूँ तो क्या होगा, सिंपली पहले तो ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। बट यहाँ पे ए क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है ना वो कुछ वैल्यूज लेता है एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है, मैं यहाँ पे इंटीजर एक्स करता हूँ। तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है तो वहाँ पे क्या करना होगा, हमें जब डिराइव क्लास का आप कंस्ट्रक्टर तैयार करोगे तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि भाई ए ये रही वैल्यूज़, इसको ले लो और तुम्हारा जो कंस्ट्रक्टर है ना उसको एग्जीक्यूट कर दो, मतलब कि जो एक्स की वैल्यू है वो मैं बी के कंस्ट्रक्टर से ए के कंस्ट्रक्टर में पास कर रहा हूँ। वो कैसे होगा वो देखो, तो देखो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दिया बेस नाम से, ठीक है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो ए एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि सिंपली ए को प्रिंट कर देता है आउटपुट स्क्रीन पे, राइट। उसके बाद मैंने डिराइव क्लास बना दिया बेस क्लास को इनिट करके, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले तो डिराइव क्लास तैयार कर लिया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है ना उसको वैल्यू पास करनी है। वो कैसे होगा, पहले तो आपको जितने भी वैल्यू चाहिए ना आपको डिराइव क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट लेनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को तैयार कर देता हूँ, यहाँ पे डिराइव आएगा, उसके बाद इन ब्रैकेट आपको जितने भी आर्ग्यूमेंट चाहिए यहाँ पे एक साथ ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक ही मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ठीक है। सपोज कि हमारे पास एक और क्लास होता क्लास बी नाम से, तो अगर उस क्लास का कंस्ट्रक्टर अगर बी और सी दो वैल्यूज लेता एज अ आर्ग्यूमेंट तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीजर ए की बात इंटीजर बी इंटीजर सी इंटीजर डी ऐसे सब आर्ग्यूमेंट्स हम ले रहे होंगे, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट डाले इंटीजर ए और इंटीजर बी। अब यहाँ पे मैं ए क्यों ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इसको पास करना है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो जब मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार करूँगा तो मुझे क्या करना होगा, डी ऑब्जेक्ट, ओके, अगर मैं डी क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार कर दूँ तो मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज डालनी होंगी ए के लिए और बी के लिए, ठीक है। ए में जो वैल्यू होगी वो पास होगी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, राइट, और बी की जो वैल्यू है ना वो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में, राइट, सी आउट करने के लिए, राइट। आसान है ना, यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स क्या है कि डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर उसके बाद इन ब्रैकेट जितने भी आपको आर्ग्यूमेंट चाहिए उन आर्ग्यूमेंट्स को ले लो, ठीक है। उसके बाद कोलन लगा के आपके बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम लिख दो, उसके बाद इन ब्रैकेट उस आर्ग्यूमेंट को पास कर दो, यहाँ पे मैं ए पास कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका जो डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसका जो कोड है वो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास केस फाइव है, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास ए बनाता हूँ, ठीक है, और जिसके अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है,
जो कुछ आर्ग्यूमेंट लेता है, यहाँ पे मैं इंटीजर एक्स करता हूँ, ठीक है, तो ये एक्स नाम का वेरिएबल एज द आर्ग्यूमेंट लेता है। तो अब आते हैं नीचे और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी आउट करता हूँ ए को, ठीक है, और मैं करता हूँ एंड एल, ओके। मैं यहाँ पे एक और लाइन को प्रिंट कर देता हूँ कि भाई ये कंस्ट्रक्टर कौन से क्लास का है, ठीक है, बेस क्लास ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ओके। अब आते हैं नीचे, मैं यहाँ पे डालता हूँ सेमी कॉलन। अब यहाँ पे मैं क्लास बी को तैयार कर लेता हूँ, क्लास बी, इसको मैं बना रहा हूँ क्लास ए को इनहेरिट करके, तो मैं यहाँ पे पब्लिक करता हूँ, पब्लिक ए, ठीक है। अब आते हैं नीचे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पब्लिक, ओके। अब आते हैं नीचे, मैं यहाँ पे बी क्लास का कंस्ट्रक्टर तैयार कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में वो सभी वैल्यूज लूँगा, वो सभी आर्ग्यूमेंट्स लूँगा जो मुझे चाहिए होंगे क्लास ए के कंस्ट्रक्टर के लिए और क्लास बी के कंस्ट्रक्टर के लिए, यानी कि बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए एंड डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए। तो यहाँ पे अगर बेस क्लास से ज़्यादा होते तो मैं यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट ज़्यादा वैल्यूज ले रहा होता, बट यहाँ पे मुझे सिर्फ ए की वैल्यू की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंटीजर एक्स एंड इंटीजर फाइव। तो अब मुझे क्या करना है कि जो एक्स हमारा आर्ग्यूमेंट है उसको पास करना है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ए इन ब्रैकेट, मैं यहाँ पे एक्स को पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो एक्स मैंने आर्ग्यूमेंट लिया है वो मैंने पास कर दिया बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे एक्स आना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं नीचे और इसका कोड लिखते हैं, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर का मैं कोड लिखता हूँ। अब मैं करता हूँ सी आउट और मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ वाई, मतलब कि यहाँ पे मैं वाई की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एंडल, ओके। अब आते हैं नीचे, मैं यहाँ पे अगेन सी आउट करता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखना है कि भाई कौन से क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ एंड एल, ओके। अब भी क्लास भी तैयार हो चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक नाम का एक क्लास तैयार कर दिया बेस क्लास, जिसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर तैयार कर दिया जो एक्स वैल्यू एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लास बी को तैयार कर दिया क्लास ए को इनहेरिट करके, राइट। उसके बाद बी नाम का मैंने कंस्ट्रक्टर तैयार कर दिया, और यानी कि बी क्लास का कंस्ट्रक्टर मैं तैयार कर दिया जिसके अंदर मैं एज अ आर्ग्यूमेंट एक्स एंड वाई ये दो वैल्यूज ले रहा हूँ, राइट। उसके बाद मैंने एक्स वैल्यू को पास कर दिया बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, यानी कि ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ओके। अब क्या करते हैं, बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लेते, तो मैं यहाँ पे करता हूँ बी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट के बाद वैल्यू डालनी होगी, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 10, 20, मतलब कि एक्स की वैल्यू जो है वो अभी 10 है और वाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 20 है, मतलब कि पहले क्या होगा, ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि वो बेस क्लास है, राइट। ए क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैंने एक्स को प्रिंट कराए तो पहले जो है वो 10 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, उसके बाद आखिर में वाई की वैल्यू यानी कि 20 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, राइट। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते और मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ, ओके। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एंड एल नहीं, मैंने कुछ और ही डाल दिया, यहाँ पे करता हूँ एंड एल, ओके। तो मुझे यहाँ पे भी एंड एल डालना था, मैं भूल गया, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड एल, ओके। अब आगे बढ़ते, अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और पहले मैं यहाँ पे करता हूँ क्लियर, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा दिखे, ठीक है। तो ओके, अब इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, पहले तो सेव कर लेता हूँ मैं और अब रन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो पहले 10 प्रिंट होकर आ चुका है, क्यों, क्योंकि एक्स को हम जो आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं वो हम पास कर रहे हैं एक क्लास के कंस्ट्रक्टर को, यानी कि बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, और एक क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है कि उस एक्स वैल्यू को प्रिंट कर रहा है और बेस क्लास ए कंस्ट्रक्टर कॉल ये लाइन प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये दो लाइंस प्रिंट हो जाएंगी, उसके बाद जाके जो बी हमारा डिराइव क्लास है उस क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होगा, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल ये लिख के आ चुका है, ये लाइन लिख के आ चुकी है। तो देखो डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर ये लाइन प्रिंट होके आ चुकी है।
अब समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर कैसे काम करते हैं डिराइव क्लासेस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।